जय श्री राम भाई। गाजियाबाद का एक कॉलेज इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र को मंच से इसलिए उतार दिया जाता है क्योंकि वह मंच से जय श्री राम कह देता है, जिसके बाद कॉलेज की एक टीचर उस पर भड़क जाती है और उसे मंच से नीचे उतरने के लिए कहती है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देख यूजर्स टीचर के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। किसी प्रॉब्लम है? कुछ देर में जय श्री राम भाई। दरअसल गाजियाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां एक छात्र को प्रस्तुति के लिए मंच पर बुलाया गया। जब छात्र मंच पर पहुंचा तो उसके सामने दर्शक के रूप में बैठे कॉलेज के अन्य छात्रों में से किसी एक ने जय श्री राम कहा तो उसने भी जवाब में जय श्री राम कहकर अभिवादन किया। इस दौरान कॉलेज की दो महिला टीचर ने छात्र पर उंगली उठाई, उसे रोक दिया और मंच से जाने के लिए कहा। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया एक्स पर साझा कर दिया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में हिंदू रक्षा दल की एंट्री हो गई है। हिंदू रक्षा दल ने दोनों टीचर पर कार्रवाई करने के लिए कॉलेज प्रशासन को समय दिया है। उनका कहना है कि दोनों टीचर पर कार्रवाई नहीं होने पर वह कॉलेज गेट पर धरना देंगे। विवाद बढ़ने पर महिला प्रोफेसर की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुझे जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है, छात्र ने मुझसे और मेरे सहयोगी से बहस की। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है। मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी। वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से, और आर्गुमेंट करने की वजह से हम वहाँ गए और हमने यही बोला कि आपने बोला है, और एज अ डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने यही कहा कि भाई आपने ही बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जातिगत टिप्पणी हो रही है मेरे बारे में ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, और ऐसा नहीं है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, ब्रज की रहने वाली हूँ। और अब आप सबको पता ही है कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, और शारदीय नवरात्र चलते हैं तो मेरे यहाँ पूरे 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं और पूरा पूजा पाठ होता है। और ये जो जय श्री राम का जो स्लोगन है इससे हमें कोई परेशानी कभी ना है ना होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जातिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये गलत है, और इन वायरल होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मानसिक तौर पे काफी परेशान हूँ। इसके बाद किसी ने मेरे प्रति जातीय या धार्मिक टिप्पणी की तो उन संबंधित लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय जाऊंगी। और ऐसा मैंने बिल्कुल भी हम कोई जातिवाद नहीं है ना मानते हैं, और मैं पूरी की पूरी सनातनी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। इस बारे में कॉलेज के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह का कहना है कि प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्य जांच समिति का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। मामले में किसी भी छात्र पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।